आज हम अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में सोडोमी का अध्ययन करेंगे। सोडोमी क्या होता है? इट इज़ अ एनल इंटरकोर्स। गुद मार्ग के द्वारा किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ या किसी व्यक्ति का दूसरी महिला के साथ लैंगिक संबंध होना सोडोमी कहलाता है। सोडोमी को कुछ अन्य नामों से पहचाना जाता है, जैसे ग्रीक लव, बगेरी, गेरेंटोफिला। पेडरेस्टी, पीडोफाइल, कैटामाइट। सोडोमी में ध्यान देने लायक बात यह है कि यहाँ पे एक एक्टिव एजेंट होता है, एक पेसिव एजेंट होता है। एक्टिव एजेंट वह होता है जो लैंगिक संबंध बनाता है या लैंगिक संबंध बनाने के लिए फोर्स करता है। पेडोफाइल वह व्यक्ति होता है जो कि बच्चों के साथ इस तरीके के लैंगिक संबंध बनाता है। जब कोई भी सोडोमी का केस आता है तो पेसिव एजेंट को एग्जामिन किया जाता है। यदि पेसिव एजेंट एक्टिव एजेंट के साथ अपनी सहमति से संबंध बनाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। पेसिव एजेंट को एग्जामिन करने के लिए निम्न चरणों का अध्ययन करेंगे: कंसेंट, हिस्ट्री, क्लॉथ्स, जनरल एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन, सैंपल्स जो मिलते हैं वह, और ओपिनियन लास्ट में मेडिकल ऑफिसर का। विक्टिम की सहमति, कंसेंट आवश्यक है। जो आरोपी है उसकी कंसेंट आवश्यक नहीं है। जिस तरीके से हमने जो लैंगिक अपराध थे, रेप का हमने पहले अध्ययन किया था, तो वहाँ पे जो कपड़ों का और जो उसका जनरल परीक्षण किया था, वैसे ही परीक्षण हम यहाँ पे विक्टिम का करेंगे। नी एल्बो पोजीशन में जेनिटल्स का एग्जामिनेशन करेंगे। ये देखेंगे कि पेसिव एजेंट सोडोमी के लिए हैबिचुअल था या नॉन हैबिचुअल था। एनल फाइंडिंग्स इन नॉन हैबिचुअल एजेंट। यदि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि सोडोमी के लिए हैबिचुअल नहीं था या फर्स्ट टाइम जोर जबरदस्ती से उसके साथ सोडोमी की गई है, तो उस कंडीशन में उसका जो एनस है उसका एग्जामिनेशन करेंगे, तो वहाँ पे एनल रीजन में पेन और टेंडरनेस मिलेगी। दूसरा जो एक्टिव एजेंट है उसके हेयर आदि जो फॉरेन मटेरियल्स हैं वो मिल सकते हैं। कुछ यदि लुब्रिकेंट्स आदि का यूज किया है तो वह मिल सकता है, जेली वगैरह इस टाइप से। ब्लीडिंग के साइन मिल सकते हैं, चोट आदि के निशान मिल सकते हैं। वहाँ पे यदि हम उंगली से परीक्षण करेंगे तो जो
गुद क्षेत्र है वहाँ की जो स्वाभाविक इलास्टिसिटी है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। एनल मार्जिन जो हैं वहाँ पे स्मूथनेस मिलेगी, बच्चे हैं तो वहाँ पे इंजुरी के चिन्ह मिलेंगे, चलने में दिक्कत हो सकती है और संघर्ष के चिन्ह वहाँ पर मिलेंगे। ये सारे जो चिन्ह हैं वह 1 से 2 दिन में डिसअपीयर हो सकते हैं, लेकिन वीर्य के उपस्थिति के चिन्ह जो हैं वह वहाँ मिलेंगे, जो कि सोडोमी का प्रूफ माना जाएगा। सबसे आखिर में मेडिकल ऑफिसर अपना ओपिनियन देगा, तो ओपिनियन ये होगा कि वहाँ पे डायलिटेशन जो है गुद का विस्फारण हुआ है या नहीं हुआ है और किस कारण से हुआ है। इसके अलावा एक परीक्षण ये करेंगे कि ऐसा तो नहीं जो पर्सन है जिसका परीक्षण किया जा रहा है वह पहले से ही गुद मैथुन या सोडोमी का हैबिचुअल पर्सन हो, उस कंडीशन में हम एग्जामिन करेंगे तो हम पाएंगे कि यदि वह हैबिचुअल पर्सन है तो जो एनल हेयर्स हैं वो शेव मिलेंगे। जो गुरुद्वार की चारों तरफ की स्किन है वह स्मूथ होगी, थोड़ी सी थिकनेस उसमें दिखेगी। जो मसल्स की स्वाभाविक टोन है वह ख़त्म हो जाएगी, फनल शेप दिखने लगेगा। एनल फिसर मिल सकते हैं, स्कार्स मिल सकते हैं, पाइल्स फिशर आदि के चिन्ह वहाँ पे मिल सकते हैं और रतिज रोग जो है उनकी उपस्थिति मिल सकती है। परीक्षण करने के पश्चात गुरुद्वार के चारों तरफ का या पेरिएनल रीजन जो है वहाँ का स्वाब प्रिजर्व करेंगे, एनल कैनाल का स्वाब प्रिजर्व करेंगे। कोई यदि फॉरेन बॉडी प्यूबिक हेयर आदि मिलते हैं तो उसको वो करेंगे, प्रिजर्व करेंगे और अंडर गारमेंट्स जो हैं वो प्रिजर्व करके रखेंगे। जो एक्टिव एजेंट है उसका परीक्षण करेंगे, ये वैसा ही होगा जैसे कि रेप के केस में हमने परीक्षण किया था। इसमें पेनिस पे इंजुरी मिलेगी, पेनिस पे फीकल मैटर मिल सकता है, लुब्रिकेंट्स जो है वो मिल सकता है, खून के धब्बे मिल सकते हैं, सेमाइनल स्टेंस मिल सकते हैं, रतिज रोगों के प्रमाण मिल सकते हैं। आपसी संघर्ष के निशान मिल सकते हैं आरोपी के शरीर पर, और यदि वह हैबिचुअल है, एक्टिव एजेंट है, तो उसका जो पेनिस है वह एलोंगेटेड और कंस्ट्रिक्टेड मिलेगा। इसका चिकित्सा विधिक महत्व, यदि एक्टिव और पेसिव एजेंट दोनों हैबिचुअल हैं और आपसी सहमति से उन्होंने गुद संबंध बनाए हैं तो यह अपराध है, इसमें सजा का प्रावधान है। यदि आपसी सहमति से संबंध नहीं बनाए गए हैं तो जो एक्टिव एजेंट है वह सजा का भागीदार होगा। इसके अलावा
जो विवाहित युगल हैं या विवाह संबंधी जो विवाद हैं उनमें सोडोमी के केस पर विचार किया जाता है।